हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कर्मचारियों और पेंशन्स के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, 18 महीने के डीए एरियस, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी, न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में बड़ी अपडेट को लेकर मैं न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट अभी अभी निकल कर आई है। बहुत बड़ी मैं अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे चैनल के जो वीडियोस अपलोड होते हैं हमारे चैनल पर वो कंटिन्यू, उनको नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप उसको वॉच कर पाएंगे। चलिए पहली खबर की तरफ लेके चलते हैं। पहली खबर जो आ रही है सभी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 3% महंगाई भत्ते पर आ रही है। आप सभी को पता है कि आज से 2 दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, लेकिन वो मीटिंग हुई लेकिन डीए का उसमें कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आगे आने वाले वीक में, यानी कि मार्च के आखिरी सप्ताह में कभी भी उस पर कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें जो है अनाउंसमेंट कर किए जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको अगले वीक में जरूर बता देंगे। बात करते हैं न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की। तो मीडिया में ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही कि सरकार जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स का न्यूनतम वेतन जो अभी है 18,000 रुपये उसे बढ़ा करके 26,000 रुपये या 21,000 रुपये कर सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स की सरकार से ये रिक्वेस्ट थी कि सरकार जो है उनका न्यूनतम वेतन जो है 26,000 रुपये करे। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर जो अभी प्रेजेंट में 2.57 है उसे 3.68 गुना तक बढ़ाए। सातवें वेतन आयोग के हिसाब से अभी आपको जो है 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन, साथ ही साथ आपको 2.57 गुना के हिसाब से आपको जो है उसमें फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपको सैलरी उसमें प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ पेंशन में भी ऐसा किया जाता है। तो सरकार अगर ऐसा करती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स उसमें राहत मिलेगी। साथ ही साथ कर्मचारियों की जो अगर उसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो सीधा सीधा कर्मचारियों सैलरी पेंशन में उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी को देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा सीधा फायदा आगे आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकता है। तो अब ये देखने वाला होगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना ज़्यादा उसका फायदा मिलने वाला है, लेकिन अगर ऐसा होता तो सभी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। न्यूनतम पेंशन पर भी ऐसा है, सरकार उसको जो है आगे इसमें कोई ना कोई बढ़ोतरी जैसे भी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपके हिसाब से ये 4 जो बड़ी डिमांड्स हैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए में सबसे पहले कौन सी पूरी होना चाहिए और क्यों पूरी होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, इसको शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा, और आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं होती है, एक बारी सब्सक्राइब करना होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट।